Sanjeevani Ayurveda and Panchakarma Hospital. Rejuvenate your mind, body and soul. मेरा नाम रजनी कुशवाहा है. फर्स्ट जनवरी 2022 वो दिन था जब मैं संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक में पहली बार आई थी. तो जैसे जब भी जनवरी आती है तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड ये रेजोल्यूशन लेता है कि उनको अपनी फिटनेस के लिए कुछ करना है. तो जब भी मैं इस क्लिनिक में आई तो मेरा भी 20% रीज़न नहीं था, बट 80% जो रीज़न था यहाँ आने का वो थे मेरे फिजिकल इश्यूज़, जो मुझे मेरे ज़्यादा वजन की वजह से या तो इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से फेस हो रहे थे, जैसे कि नी पेन, फिर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पित्त बढ़ जाना, उल्टियाँ होना. तो वो सारी जो चीज़ें थी उनकी वजह से मेरे लिए मैंडेटरी हो गया कि मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा. अभी फर्स्ट जनवरी से मैंने यहाँ की मेडिसिन स्टार्ट की. जो दो मेजर फायदे मुझे यहाँ की मेडिसिन से हुए थे वो ये हैं कि सबसे पहले तो मेडिसिन जो थी वो 50% डिपार्ट थी. जो 50% रिजल्ट था वो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से मिला. क्या खाना है, कितने बजे खाना है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिसिप्लिन्ड मैनर में समझाई और उसी को फॉलो करने से काफ़ी हेल्प मिला. और जो 50% रिजल्ट था जो मेडिसिन की वजह से था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम सडनली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं या खाने की रूटीन चेंज करते हैं तो जो एक वीकनेस फील होनी चाहिए हो जाती है जनरली लोगों को डाइटिंग जब भी करते हो, तो वो वीकनेस में इन मेडिसिन ने काफ़ी सपोर्ट किया. इस तरह का एक भी दिन मुझे चैलेंजिंग फेस नहीं हुआ कि मुझे डॉक्टर को फ़ोन करके बताना पड़ा हो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है या तो मैं चक्कर खा के गिर जा रही हूँ समथिंग, मतलब इस तरह का कोई भी इशूज़ मुझे इनकी वजह से नहीं हुआ. तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, एक तो मेडिसिन और दूसरा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल. और वो दोनों चीज़ों की वजह से ही आज जब मैं ये बता रही हूँ तब मैं 10 kg वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ. और उसकी वजह से जो मुझे पहले इश्यूज थे, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, फिर खट्टे डकार आना या तो उल्टियाँ होना पित्त की, मेरे जो नी पेन बहुत सीवियर बढ़ गया था ज़्यादा वजन की वजह से, वो भी मुझे अभी काफ़ी रिड्यूस हुआ है. तो मैं इमेजिनेशन में अपने आप को जैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहती थी वो अभी मैं कर सकती हूँ. तो वो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. सो दैट इज़ ऑल संजीवनी. और क्योंकि सारी मेडिसिन आयुर्वेदिक थी तो मुझे वो भी इश्यूज नहीं है कि एलोपैथी खाया है मैंने तो लॉन्ग टर्म में मुझे इसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे. और मैं अभी 7-8 महीने हो गए तो मैं कह सकती हूँ कि जो रिजल्ट्स थे वो टेम्प्ररी नहीं थे. पिछले कुछ दिनों से मैंने दवाई इतनी रेगुलर नहीं ली है, बट जो रिजल्ट्स आए हैं वो मुझे लग रहा है वो परमानेंट है, क्योंकि अभी भी मेंटेन्ड है चीज़ें. इवन दो मैंने थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंज किए हैं फिर भी रिजल्ट्स हैं, तो मतलब सस्टेन्ड रिजल्ट्स है. सो मैं काफ़ी लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आयुर्वेदिक वे में, सेफ वे में अगर उनको ड्रेस्टिक चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में तो वो संजीवनी आयुर्वेदिक को जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है. अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिकर आप. संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल. कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494. 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेहा संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत.